स्वागत है आप लोग का एक और नए वीडियो एक और नए ब्लॉग में। और अभी मैं हूँ भाई राम मंदिर के बाहर खड़ा, जहाँ राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और भाई फिलहाल इलेक्ट्रॉनिक्स और काफ़ी कुछ अंदर ले जाने पे प्रतिबंध है, तो भाई फ़ोन तो अंदर लेके नहीं जाने देंगे। बाकी जो भी अंदर होगा, जो भी अंदर जितना कंस्ट्रक्शन हो गया है, वो मैं आप सबको भाई बिल्कुल अपडेट दूंगा कि। और भाई ये वीडियो मेरे ख्याल से मैं आज शाम तक डाल दूंगा, 4-5 बजे तक के आसपास। अभी बज रहे हैं भाई कुछ 12, अभी तक खाया भी नहीं है, कुछ रेस्टोरेंट दिखा नहीं है। फिलहाल यहाँ से जाऊँगा घाट पर। ये सारी वीडियो तो भाई काफ़ी लेट आएगी, लेकिन ये वीडियो आज ही आ जाएगी। और भाई जल्दी से कर दो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दो जय श्री राम का। और ऐसे वीडियो तब अयोध्या का सीरीज शुरू होने वाला है। और भाई साथ ही जो यहाँ पे टाइमिंग दे रखे हैं दर्शन के, वो हैं 7 बजे से 11 बजे तक, उसके बाद आपको दर्शन मिलेंगे 2 बजे के बाद। और बाकी बेल्ट सूट आप अंदर लेके जा सकते हो, अभी तो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है अंदर। और बाकी आपको आसपास का मैं फुटेज दिखा देता हूँ कि आसपास यहाँ पे क्या क्या। और बाकी फ़ोन लेके थोड़ा आगे तक चलते हैं, अगर कुछ फुटेज मिल जाएगा तो ठीक है, वरना अंदर से कुछ ना कुछ फुटेज का जुगाड़ करते हैं और आप लोगों को दिखाएंगे। जल्दी से भाई चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जरूर जय श्री राम लिख दें। ये देखो भाई अभी भी कंस्ट्रक्शन का काम चल ही रहा है। बाकी इस तरफ जो देख रहे हो, इस तरफ अपना बन रहा है राम मंदिर, थोड़ा आगे चल के दिखाता हूँ। भाई आगे होगी चेकिंग और वो बन रहा है, देखो मंदिर जूम करके दिखाता हूँ, वो बन रहा है भाई श्री राम जी का मंदिर। तो भाई दर्शन करके अपन लोग आ चुके हैं राम मंदिर से। अब मैं प्रोसेस बताता हूँ, जैसे ही आप जो मेरे पीछे लोकल की व्यवस्था देख रहे हो, ये बिल्कुल निःशुल्क है। और बाहर भी आपको प्राइवेट लोकल मिल जाएगा जो आपसे चार्ज करेगा 20-50 रुपये और आपका सामान रख लेगा। और बाकी जो मेरे पीछे लोकल है वो भाई बिल्कुल निःशुल्क है। और जब यहाँ पर अपना फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक वॉचेज, अपना बैग हर एक चीज़ जब जमा करा दोगे, तो आप सीधा ये जो रोड देख रहे हो मेरे पीछे, इससे चले जाओगे भाई राम मंदिर के दर्शन के लिए। उसके राम मंदिर के दर्शन के लिए उसके बाद भाई आपको पहला सिक्योरिटी चेक पोस्ट मिलेगा, जहाँ पे भाई तलाशी ली जाएगी भाई आपको इलेक्ट्रॉनिक फ़ोन, गुटखा, तंबाकू ये सब तो नहीं लेके जा रहे। उसके बाद जब अंदर जाओगे तो जो वहाँ पे राम मंदिर, जहाँ जन्मभूमि पे राम मंदिर बन रहा है, आपको उसकी थोड़ी सी झलक दिखाई जाएगी। आप वहाँ अंदर नहीं जा सकते, एक तरीके से बैरिगेट कर रखा है वहाँ पर। फिर वहाँ से अंदर चलोगे तो दूसरा चेक पोस्ट आएगा, जहाँ पर आपको फिर से चेक कर किया जाएगा। उसके बाद आगे जहाँ पे राम लला बैठे हुए हैं, जहाँ अंदर मंदिर बना हुआ है, वहाँ पे आप करोगे दर्शन। उसके बाद जब आगे निकलोगे तो भाई ऐसे ही जो बैरिगेट्स किए हुए हैं जालियों से, उससे करते 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 बाहर आ जाओगे। और जो प्रसाद है, प्रसाद भी आप अंदर लेके नहीं जा सकते, प्रसाद आपको अंदर से मिल जाएगा। जो भी मैं होटल जाके दिखा दूंगा, जाना तो वैसे घाट पे था, लेकिन भाई बारिश का मौसम बन रहा है इसलिए अपना आराम से जाते हैं होटल पे, वहीं पे रेस्ट करेंगे। और फिर वहाँ से वापसी आके जब आप यहाँ पे जमा कराओगे निःशुल्क काउंटर लॉकर में, तो आपको एक पर्ची दी जाएगी कि हाँ भाई आपके ने कितना फ़ोन जमा कराया है, कितना क्या बैग जमा कराया है, हर एक चीज़ मिल जाएगी उस पर्ची में। जब आप वो पर्ची दोगे तो आपको एक चाबी साथ में देंगे, पर्ची चाबी साथ में दोगे तो आप चेक कर सकते हो कि हाँ भाई आपने जितना सामान दिया था मिला है कि नहीं मिला है। उसके बाद भाई अपना सामान लेके वापस यहाँ से निकल सकते हो। भाई दशरथ महल और कनक भवन घूमने के बाद हम लोग वापस आ गए हैं नए घाट पे, यहाँ थोड़ी देर आराम करेंगे जहाँ कल आए थे। और भाई इसमें सरयू नदी का पानी डाला गया है जो कि आदित्यनाथ जी ने बनवाया है। तो अब थोड़ा आगे चलते हैं, थोड़ा आगे चल के भाई बैठने की कोई सीट खोजते हैं, कोई अच्छा मतलब नज़ारा नज़र आ रहा हूँ वहाँ बैठ के आपको भी दिखाता हूँ, मैं भी देखता हूँ, तो चलो जल्दी। ये घाट फेमस है भाई नए घाट के नाम से, बट इसको राम की पौड़ी भी कहते हैं। और अगर जिसने रात का दृश्य नहीं देखा यहाँ का, तो भाई वो पिछले व्लॉग में जाके देख सकता है, क्योंकि यहाँ मैं कल आया था रात में भी, जिसका व्लॉग बनाया था भाई वो काफ़ी सुंदर लग रहा था देखने में, इसलिए सोचा था कि थोड़ा सुबह के टाइम पर आके देखेंगे कि घाट कैसा लगता है। भाई घाट फिर भी काफ़ी सुंदर लग रहा है, वहाँ बच्चे खेल रहे हैं मैच, वहाँ चलते हैं थोड़ी देर बैठते हैं, एंजॉय करते हैं मैच को। और भाई यहाँ पे जो बंदर है भाई, बंदरों से थोड़ा बच के रहना, क्योंकि हाथ में जो भी होगा खाने पीने का या कुछ भी होगा पैकेट में, भाई वो छीन के लेके चला जाएगा। जब मैं खुद भाई शुरू शुरू में उतरा था, इतने बंदर देखे भाई, मैं रिक्शे वाले से पूछता भाई कहीं चश्मा वश्मा तो नहीं छीन लेगा, क्योंकि भाई वृंदावन में काफ़ी चश्मे छीनते हैं। तो भाई इसलिए मैंने पूछा डर के मारे, क्योंकि भाई ऑलवेज़ मैं चश्मा कैरी करता हूँ, पहनता हूँ। तो उसने कहा नहीं भाई, बस जो खाने पीने की चीज़ होती है वही छीनता और कुछ नहीं। तो भाई खाने पीने का चीज़ जो है प्रसाद वरसाद, वो थोड़ा अपना संभाल के रखना अयोध्या में। भाई नए घाट पे जब भी आओगे शाम को, रात में कुछ ना कुछ खाने पीने का यहाँ बिकता ही रहता है, तो आप इंजॉय कर सकते हो यहाँ पे आराम से।
मैच देखने के बाद भाई अपन चले गए थे आरती देखने के लिए, कल भी आरती देखी थी, आज भी हम वापसी आ गए नए घाट यानी राम की पौड़ी पे। और आप लोग चाहते भाई अयोध्या पूरा एक दिन में घूम सकते हैं, ज़्यादा कोई दूर दूर जगह नहीं है यहाँ पे। आप जैसे स्टेशन से उतरोगे, स्टेशन से सीधा जाओगे हनुमानगढ़ी, हनुमानगढ़ी के दर्शन करके श्री राम जन्मभूमि पर जाओगे, वहाँ से आ जाओगे दशरथ महल, दशरथ महल से कनक भवन, कनक भवन, फिर वहाँ से बाकी जो आसपास छोटे मोटे मंदिर है वो भी आप लोग आराम से घूम सकते हो, तो एक दिन में आप पूरा कर सकते हो। मैं यहाँ रुक गया भाई, आज है अपना दूसरा दिन, कल होगा तीसरा दिन, तो भाई मैं यहाँ इसलिए रुक गया ताकि अच्छे से हर एक चीज़ रिकॉर्ड कर सकूँ, हर एक चीज़ बता सकूँ। बाकी आप उसी दिन सरयू नदी, अपना आरती वारती, हर एक चीज़ एक ही दिन में कवर कर सकते हैं घाई घाई में। बाकी आराम से एक्सप्लोर करना है तो भाई दो दिन लगेगा आप लोगों को यहाँ पे, और बाकी बजट की कोई टेंशन नहीं है, 5000 में भी सब हो जाएगा। बस जो यहाँ पर का स्टे है वो काफ़ी महंगा रहने वाला है, यहाँ कोई होटल भाई 1000 रुपये पर नाइट से नीचे नहीं है, बट मैं उसका भी तोड़ दूँगा आपको। वीडियो में बने रहना, ऐसे चैनल सब्सक्राइब करते रहो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना, क्योंकि कल चलेंगे राम मंदिर, और जो भी थोड़ा डिस्टेंस पे होगा मंदिर वहाँ चलने की कोशिश करेंगे। तो भाई आरती भी देख ली, मैच भी देख लिया, अब चलते हैं वापसी होटल अपना खा पी के। तो जल्दी से कर दो चैनल को सब्सक्राइब। और भाई मैं जितना बोलता हूँ ना, मैं चाहूँ तो नए घाट पे सुबह आके या रात में भी आराम से 8-9 मिनट की वीडियो बना सकता हूँ इसको पूरा लेके, यहाँ बैठने की सीट, लाइट, सुबह यहाँ का मतलब वातावरण, हर एक चीज़ बोल के बना सकता हूँ, बट आप लोगों को शॉर्ट में दिखा दिया। आप लोगों को भाई शॉर्ट में इसलिए दिखा दिया क्योंकि भाई आप लोग पकवाना, क्योंकि ज़्यादा भाषण दूंगा मैं अभी, तो आप लोग भी बोल हो जाओ, कहोगे भाई किसका ही चैनल हमने देख लिया है, तो इसलिए भाई इसलिए ऐसे दिखा दिया पूरा शॉर्ट में, सब कुछ समझा दिया है नए घाट के बारे में, किसने बनाया, कैसे बना, पानी कहाँ से आया, हर एक चीज़ बता दिया है, चाहे तो आप फुल डिस्टेंस वीडियो देख सकते हो। तो भाई अब यहाँ से निकलते हैं, खाना पीना खाते हैं और चलते हैं अपने होटल पे, रेस्ट करते हैं और बाकी आगे की वीडियोस एडिट करते हैं। और हाँ भाई एक बात और बता देता हूँ, आप चाहे तो भाई पैदल ही पूरा अयोध्या कवर कर सकते हो, जितने फेमस स्पॉट है सरयू घाट तक, क्योंकि हम भी कनक भवन से पैदल ही आए थे सरयू घाट तक। तो यहाँ पे बस जो स्टे है वो आपको थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा, बाकी खान पान सब कुछ एकदम नॉर्मल प्राइस में है, 80 रुपये, 70 रुपये, 100 रुपये, बाकी वो आपके रेस्टोरेंट पे डिपेंड करता है आप कौन से रेस्टोरेंट पे जा रहे हो। तो भाई आज के दिन को रखते यहीं तक, क्योंकि मैं भी थक गया हूँ, आप लोग भी साथ में भाई घूमते घूमते थक गए होगे, तो जल्दी से कर दो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर। आज के दिन को रखते यहीं तक, चल के करते हैं अब रेस्ट। और भाई मैंने आपको कहा है कि मेरे पास स्टे का भी यहाँ पे तोड़ है, जो 1000 रुपये पर नाइट होटल मिल रहा है मेरे को, तो भाई 20-25% डिस्काउंट मिल जाता है बुकिंग करने पे। और बाकी एक और थोड़े जहाँ 50 रुपये में स्टे कर सकते हो, वीडियो के साथ बने रहना, मैं वो बिल्कुल आखिरी वाले वीडियो में बताऊंगा। ये घाट और नया घाट जाने से पहले भाई आपको सरस्वती माता का वीणा नज़र आ जाएगा, ये बिल्कुल चौराहे पे ही बना हुआ है, इस तरफ से आप जा सकते हो सरयू घाट की तरफ, और ये जो गेट है बिल्कुल सामने जहाँ से नया घाट पड़ जाएगा।